हाय दोस्त, नमस्कार। आज हम आप लोगों को अपने आश्रम के भंडारे की वीडियो दिखा रहे हैं। हेलो 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 आप देख पा रहे होंगे, इधर जी। कन्याएं बैठी हुई हैं और आपको हम बहुत हाँ अच्छी अच्छी चीज़ें आज आपको दिखाएंगे। तो दोस्त, हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और हमारे वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। देख पा रहे होंगे दोस्त, मुनि महात्माओं सब लगे हुए हैं आश्रम के भंडारा बनाने में, सब्जी काटने में, और इधर सभी लोग सारे आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा काम किया जा रहा है। इधर हमारे आश्रम के पुजारी बाबा, हमारे आश्रम में कुछ महात्माओं का आगमन हुआ है जिनके लिए चाय पानी बनाया जा रहा है। और देख पा रहे होंगे आप, हमारे आश्रम में आज मुनियों का आगमन हुआ है। और इधर हमारे गांव की कुछ माताएं और कन्याएं पूड़ी बेल रही हैं, क्योंकि आज भंडारा है ना दोस्त, तो भंडारे में पूड़ी, सब्जी, दाल, चावल, खीर, सभी प्रकार के आइटम बनाया जाएगा। और दोस्त, आज हमारे आश्रम में संत जी पधारे हुए हैं, जो देख पा रहे होंगे स्वयं शिव शंभू के स्वरूप में पधारे हुए हैं, और सब उनकी दंडवत कर उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। ये देख पा रहे होंगे, स्वयं ऐसा लग रहा है कि खुद भोलेनाथ पहुंच चुके हैं। और दोस्त, यहाँ हमारे आश्रम के कार्यकर्ताओं के द्वारा, ये सुनील भैया के द्वारा ये सब्जी परोसा जा रहा है। और ये देख पा रहे होंगे, सारी माताएं, सारी कन्याएं भोजन के लिए बैठे हुए हैं। हमारे इधर का रिवाज है दोस्त, बैठा करके और सम्मान पूर्वक इज्जत से सभी को भोजन परोस कर खिलाया जाता है। आपको यह नियम कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्त, ये देख पा रहे होंगे कितनी इज्जत से सबको भोजन परोस कर खिलाया जा रहा है। ये हमारे आश्रम के सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा काम किया। और ये छोटे छोटे कन्याओं कितनी देख रहे हैं, हमारे आश्रम की शोभा बढ़ाते हुए भोजन करने के लिए बैठे हुए हैं। ये देख पा रहा हूँ दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है जब कन्याओं को भोजन खिलाया जाता है। देख पा रहे होंगे सबके चेहरों पर मुस्कान है, सभी कन्याओं की। ये देख पा रहे होंगे सभी कन्याएं खुश हैं, और अगर कन्याएं खुश हो जाते हैं दोस्त, तो कहते हैं कि सभी खुश हो जाते हैं, भगवान भी खुश हो जाते हैं। देख पा रहे होंगे सभी कन्याएं कितनी अपने अंदर से मुस्कान भरा खुशी का माहौल है सभी के चेहरों पर, और सभी लोग भोजन के लिए बैठे हुए हैं। तो इसी तरीके से हमारे गांव में यही रिवाज चलता है, बकायदे हाथ हों सब धुला करके और बैठा करके उनकी सारी व्यवस्था करके उनको भोजन कराया जाता है। हमारे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे दोस्त कि आप लोगों की इधर कैसा नियम चलता है, और आप लोग भोजन कैसे खिलाते हैं अपने गांव में, कुछ भंडारा वगैरह कुछ होता है तो हमें कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतज़ार रहेगा। अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने एरिया में हर अलग अलग रिवाज चलता है, इसलिए अपने एरिया के, अपने क्षेत्र के रीति रिवाज को कमेंट करके जरूर हमें बताने की कृपा करेंगे। और देख पा रहे हैं खुद संत जी भोजन परोस रहे हैं, और यहाँ सारे सभी साधु महात्मा जितना आते हैं सभी लोग यहाँ सेवा करते हैं दोस्त, क्योंकि यहाँ अन्य क्षेत्र चलाया जाता है। अन्य क्षेत्र का मतलब जो मुनि महात्मा साधु संत जितने भी आ जाते हैं उस आश्रम में, सभी के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था यहाँ पे रहती है यहाँ हमेशा।
ये देख पा रहे होंगे सभी लोग मस्त खुशी से खा रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसा। और दोस्त अगर वीडियो हमारी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्त, क्योंकि आपके सहयोग से ही हम और अच्छी वीडियो बना करके और आने वाले अगले वीडियो में कुछ और अच्छा दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। इसलिए हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए दोस्त। धन्यवाद। अब हम आपकी कमेंट और आपकी सब्सक्राइब की हमें इंतज़ार रहेगी दोस्त, हम ऐसे ही वीडियो बना कर खिलाते रहेंगे। धन्यवाद।